बदनाम करने की धमकी देकर आरटीओ के दलाल से उगाही करने वाले एक पत्रकार को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। यह पत्रकार दैनिक भास्कर में काम करता है। यह कार्रवाई गुरुवार की दोपहर सदर के वीसीए स्थित आइसक्रीम पार्लर में की गई। आरोपी पत्रकार सुनील सुखलाल हजारी राहुल रेसिडेंसी एसटी स्टैंड गणेश पेट है। बाबादीप सिंह नगर निवासी 55 वर्षीय धनराज उर्फ टिट्टू शर्मा आरटीओ में दलाल है। मुंबई पुलिस ने चोरी के वाहन के चेसिस बदलकर बिक्री करने वाले रैकेट का अप्रैल माह में खुलासा किया था। इस प्रकरण की जांच नागपुर आरटीओ तक पहुंची थी। नागपुर आरटीओ के अधिकारियों को निलंबित किया गया था। सुनील हजारी दैनिक भास्कर का शहर संपादक है। वह इस प्रकरण को लेकर खबरें प्रकाशित कर रहा था। शर्मा की शिकायत के अनुसार हजारी ने शर्मा की रैकेट में लिप्तता बताकर खबरें प्रकाशित की। एक माह पहले हजारी ने उनसे संपर्क किया। उसने खबरें प्रकाशित नहीं करने के बदले में 10 लाख रुपयों की मांग की। शर्मा द्वारा खुद का रैकेट से कोई वास्ता नहीं होने का बताने पर भी हजारी ने रुपयों की मांग जारी रखी। शर्मा द्वारा बात करने पर हजारी 7 लाख रुपए लेकर शांत होने के लिए तैयार हो गया। हजारी ने बुधवार रात 10 बजे शर्मा को 1 लाख रुपए की पहली किश्त लेकर मेडिकल चौक बुलाया। वहां एटीएम के पास 1 लाख रुपए लिए। उसी वक्त 1 लाख रुपए गुरुवार को देने को कहा। त्रस्त होकर शर्मा ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। डीसीपी राहुल मदने के मार्गदर्शन में पीआई मनीष ठाकरे ने हजारी को पकड़ने की योजना बनाई। हजारी ने शर्मा को गुरुवार दोपहर 1 लाख रुपए की दूसरी किश्त लेकर वीसीए चौक स्थित आइसक्रीम पार्लर में बुलाया। शर्मा ने वहां पहुंचकर हजारी को 80,000 रुपए दिए। हजारी द्वारा कितने हैं पूछने पर शर्मा ने 80,000 रुपए बताए। हजारी ने 1 लाख रुपए की बात हुई थी बोला। इसी दौरान दबिश देकर बैठी पुलिस ने हजारी को पकड़ी। पुलिस को देखकर हजारी ने जेब से रुपए निकाल कर टेबल पर फेंक दिए। वह खुद को फंसाने का बताने लगा। पुलिस हजारी को थाने ले आई। वहां भी उसने शर्मा द्वारा फंसाए जाने की बात की। मेडिकल चौक और आइसक्रीम पार्लर की घटना कैमरे में दर्ज होने से पुलिस ने हजारी बोलती बंद कर उसके खिलाफ हफ्ता वसूली के तहत मामला भी दर्ज किया है। यहाँ हमारे सदर पुलिस स्टेशन में ये घटना हुई है। इसमें जो फिरियादी है टिट्टू शर्मा, उन्होंने हमारे पास कंप्लेंट दी कि सुनील हजारी नामक एक चीफ एडिटर है, दैनिक भास्कर में सिटी एडिटर करके काम करता है। उसने कुछ डिमांड किया था, खंडनी मांगी थी 10 लाख रुपए की। उसका कुछ सा हफ्ता देने के लिए उन्होंने बुलाया था, और जब वो हफ्ता लेते समय उस पर पुलिस को पहले इन्फॉर्म किया था। उसके तहत पुलिस ने उसको रंगे हाथ पकड़ा है। पहले भी उनको उन्होंने रकम दी थी मेडिटर के थ्रू, कुछ उनको ब्लैकमेल कर रहा था कि आरटीओ में जो काम चलता है, एजेंट में जो काम चलता है, इसके बारे में न्यूज में जो न्यूज लगाने वाला था, इसके बारे में ये इशू है। 10 लाख की डिमांड की है, उसमें से कुछ 80,000 देते समय उसको अरेस्ट किया है। मेरा नाम टिट्टू शर्मा और धनराज शर्मा है। मैं ग्रामीण आरटीओ में एजेंट का काम करता हूँ, मतलब प्रतिनिधि का। लाइसेंस वगैरह बनाना, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरना, लोगों की मदद करना, तो उसका मेरा काम है। चौथे या पांचवे महीने में कुछ ग्रामीण आरटीओ में कुछ चेसिस का कुछ प्रकरण हुआ था, तो उस प्रकरण में मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मुंबई पुलिस नागपुर आई थी, उन्होंने अपनी जो भी उनकी जो भी उन्होंने मतलब प्रक्रिया है उन्होंने की, उसमें 3-4 कर्मचारी वगैरह कुछ सस्पेंड हुए थे। तो उस दरमियान ये पेपर में उसका पूरा सीरीज का वो आ रहा था कि आरटीओ में भ्रष्टाचार है, जो भी है ये इसका ऐसा, उसमें इसने हम मेरा और 2-4 और एजेंट थे उनके नाम उसने डाल दिया था। तो हमारा तो कोई ऐसा काम ही नहीं था, हमने कोई मतलब ये नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, पिछले महीने इसने मेरा भतीजा है उसके थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट किया और मुझे संदेश भेजा कि मतलब मिलना है। फिर हमारी मुलाकात हुई तो 10 लाख रुपए, 10 लाख कहाँ से देंगे, 7 लाख। तो ऐसा करते करते उसने अपनी खंडनी की। तो क्यों, वो मेरे पास सीरीज है, ये है, वो धमकाने का काम था उसका। 1 लाख रुपए कल रात को लिया और आज 1 लाख रुपए का ये था। उसमें से 1 लाख का मेरे से बंदोबस्त नहीं हुआ, मैंने इधर उधर से मांग के 80,000 रुपए मैंने आज दिए और वो 80,000 रुपए लेके उसने जेब में डाल लिया था, जब उसको पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये मई महीने में उसने हमारा नाम डाला था, तो वहां से परेशानी शुरू हुई थी। डिमांड तो उन्होंने उसने पैसे लिया है, लेकिन अब वो कोई आके बोलता नहीं बोलता, वो किसी का अपन ये नहीं कर सकते ना।
कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपुर। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।